अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। यूनिट नंबर 1, लाइट इन द नाइट। आपको पता है कि हम ये स्टडी कर चुके हैं। अब इसका पार्ट बी जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्टडी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी एंड आफ्टर रीडिंग द वर्ड्स अगेन इन द पैसेज, गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड गिवन बिलो। ऑल्सो फाइंड अ वेरी डिफरेंट मीनिंग फॉर ईच वर्ड। इट मीन्स कि ये जो वर्ड्स उन्होंने दिए हैं, हमने इनके मीनिंग्स फाइंड आउट करने हैं, जो इनका कंप्लीट मीनिंग दे बट ये थोड़ा डिफरेंट भी हो इनसे। लाइक कैपिटल का सेंट्रल, ट्रिप, टूअर, लाइट, इल्यूमिनेशन, क्रेस्ट, क्राउन, इश्यू, प्रॉब्लम, ऑपरेट, टू डू सर्जरी, या किसी भी चीज़ को ऑपरेट करना, चलाना, उस पर अपना कंट्रोल रखना। इन दिस वे यू कैन से दैट। ये आपका बुक वर्क है, आपने ऐसे ही बुक पे इनको मेंशन कर लेना है। नेक्स्ट है पार्ट सी, एडवर्ब्स। एडवर्ब्स का क्वेश्चन है, पिक द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से व्हाट काइंड ऑफ एडवर्ब दे आर। ये कौन से एडवर्ब हैं? एक तो हमने क्या काम करना है, फर्स्ट हमने एडवर्ब को पिक करना है सेंटेंस में से, और सेकंड हमने ये बताना है कि ये एडवर्ब कौन सा है। जी बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन है, लंदन ग्लोज ब्राइटली। अब इसमें एडवर्ब क्या है? ब्राइटली। हमने ब्राइटली को अंडरलाइन करना है और ऊपर लिखना है एडवर्ब ऑफ मैनर। आप इसको कंप्लीट फॉर्म में भी लिख सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म, जैसा कि ए एम हम लिखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, द लैम्प लाइटर कुड सेफली रेस्ट हिज लैडर ऑन देम। सो सेफली एडवर्ब ऑफ मैनर। लैम्प लाइटर्स वुड पुट अ लैम्प आउटसाइड द हाउस। आउटसाइड एडवर्ब ऑफ प्लेस। यू कुड ईजीली गेट लॉस्ट। ईजीली एडवर्ब ऑफ मैनर। दे ऑफन बिकेम अ की फिगर इन देयर कम्युनिटीज। ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। दे लाइट देम एवरी इवनिंग एंड पुट देम आउट एवरी मॉर्निंग। एवरी एडवर्ब ऑफ टाइम। टू टाइम्स इट इज यूज्ड। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। The lamp posts were decorated with the royal crest and were looked after carefully, carefully by the lamplighters. Carefully, adverb of manner. Next question है, make 3 columns and sort words out into groups. It means कि हमने 3 columns बनाने हैं और इन 3 columns में words को divide करना है. Words, कौन से words हैं जिनको sort out करना है? Name 3 columns, noun, adverbs and adjectives. Nouns, adverbs और adjectives के लिए हमने 3 columns बनाने हैं, और ये जो camel color का हमारा box है, इसमें ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 columns हैं। इन 6 columns को हमने 3 columns में ये जो words लिखे हुए इनको लिखना है, और इनमें से ये find out करना है, इनको separate separate करना है कि nouns कौन से हैं, adverbs कौन से हैं और adjectives कौन से हैं। इसका सोल्यूशन जो है वो आपकी असाइनमेंट के साथ जो है अटैच कर दिया गया है, आप उसको स्टडी कर लें। सो इस तरह हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होती है। आपको पता है कि आपका जो होमवर्क जो आपको लर्निंग के लिए पीछे दिया है, आपने इसको लर्न भी करना है और अपनी बुक्स पे सॉल्व भी करना है, वो बहुत कम है। तो आप इसके साथ पॉइंट 9 जो है, इसके वर्ड्स मीनिंग आपने याद करने हैं। कर्टिसी, समथिंग डन आउट ऑफ पोलाइटनेस, और कंसिडरेशन फॉर अनदर पर्सन, एम शॉर्ट फॉर्म है देम, जेंटेलिटी, कॉर्टियस एंड वेल मैनर्ड सोसाइटी। यहाँ पे वर्ड जेंटेलिटी जो यूज़ हुआ है वो किसको शो करने के लिए यूज़ हुआ है? कॉर्टियस एंड वेल मैनर्ड सोसाइटी को शो करने के लिए यूज़ हुआ है, और आगे इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है। द जेंटेलिटी, पीपल फ्रॉम द अपर क्लासेस वुड टेक अ लेयरली वॉक अलोंग द रिंग इन द आफ्टरनून, ग्रीटिंग अदर्स एज दे पास्ट। जी नेक्स्ट है, इंकलिंग अ वैग आइडिया एंड इंडिकेशन ऑफ हाउ टू गो अबाउट समथिंग। रिंग अ सर्कुलर कोर्स इन हाइड पार्क इन लंदन। लंदन में हाइड पार्क एक जगह है, वहाँ पे उसको जो है रिंग कहा जाता है, जो कि राइडिंग और ड्राइविंग के लिए यूज होती है। रो अ नैरो स्ट्रीट लाइंड विद हाउसेज और बिल्डिंग्स ऑन बोथ साइड्स, यानी एक जो दोनों साइड पे बिल्डिंग या हाउसेज होते हैं, और द सेंटर में जो एक गली की तरह होती है, एक स्ट्रीट जो होती है वो नैरो होती है, तंग होती है थोड़ा, उसको रो बोला गया है। और जैसे कि आगे इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है, अ स्ट्रीट
a particular occupation or type of person is predominant, for example tenure row, means ke किसी भी एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन और टाइप ऑफ अ पर्सन उसको प्रीडोमिनेंट करने के लिए भी उस स्ट्रीट को नाम रख दिया जाता है, जैसे कि ट्रेनिंग हो। टू अदर साइड द वे, यह क्या है, अ क्लॉकवाइज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द अदर साइड ऑफ द रोड, यू कैन से अदर साइड ऑफ द रोड और यू कैन से अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। ये वर्ड्स मीनिंग है जो आपने लर्न करने। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।